नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बुलेटिन में। आज हम आपको बॉलीवुड बुलेटिन में बताएंगे, शाहरुख खान ने विक्की कौशल संग चिपक चिपक कर किया ओ अंटावा गाने पर डांस। तो वहीं एडल्ट स्टार बन्ना शेख से जुड़े शिल्पा शेट्टी के पति के तार। तो वहीं हनी सिंह का डूबता करियर आखिर किस चीज से बचा, उसके बारे में भी बताएंगे। नवाब पिता नहीं बल्कि माँ की कला पर आया सैफ अली खान का दिल। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं बॉलीवुड बुलेटिन। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा, जिनकी उम्र 69 साल हो गई है, लेकिन एक्ट्रेस की खूबसूरती और अदाएं आज भी किसी यंग एक्ट्रेस को मात दे ही देती हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर देखा गया था, लेकिन उस दौरान उनके स्टाइलिश लुक को देख लोग हैरान रह गए थे कि ये रेखा ही है या फिर कोई और। जी हाँ, इस उम्र में भी रेखा ने अपने आप को काफी ज्यादा फिट रखा है। वही हाल ही में रेखा आईफा अवार्ड्स के लिए अबू धाबी गई थी, जहां से उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेखा का गजब का डांस देख लोग दीवाने हो गए हैं। हनी सिंह, जो अपने रैपिंग स्किल की वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं, उन्होंने सालों बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कमबैक किया है और इस कमबैक के साथ वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। हाल ही में हनी सिंह आईफा अवार्ड्स में नजर आए और इस दौरान वो एक स्पेशल लेडी के साथ दिखे। आईफा अवार्ड्स की नाइट से हनी सिंह का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो एक मोहतरमा के साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स 2024 के ग्रीन कार्पेट पर रैपर एक एक्ट्रेस के साथ पोज देते हुए नजर आए। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस उपस्थिति से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते पर ऑफिशियली मुहर लगा दी है, यानी कहीं ना कहीं हनी सिंह की जिंदगी में किसी ने दस्तखत दे दी है। 27 सितंबर को अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स की रंगीन शाम सजी। इस खास मौके पर कई सितारे शामिल हुए और सितारों ने जमकर डांस भी किया। बता दें कि शाहरुख खान, विक्की कौशल ने फंक्शन होस्ट भी किया और अपनी खास कॉमेडी के अंदाज से मेहमानों का मनोरंजन भी किया। इस खास मौके पर दोनों ने जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी दी। दोनों के डांस ने तो आईफा अवार्ड्स में 4 चांद लगा दिया। जी हाँ, डंकी की इस जोड़ी ने पुष्पा के गाने ओ अंटावा पर मजेदार डांस किया। दोनों के डांस का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी इस डांस को देख रहा है वो काफी ज्यादा हैरान भी रह जा रहा है और अपनी हंसी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेशी एडल्ट फिल्म स्टार रिया बर्डे उर्फ बन्ना शेख इन दिनों अपनी गिरफ्तारी को लेकर काफी सुर्खियों में है। भारत में अवैध तरीके से रहने के कारण बन्ना शेख को महाराष्ट्र के उल्हास नगर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के लिंकअप की खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, जिस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया है। रिया बर्डे उर्फ बन्ना शेख की गिरफ्तारी के बाद खबरें आई कि उन्होंने राज कुंद्रा के प्रोडक्शन में भी काम किया है। इसी तरह के लिंकअप की खबरों के बीच में राज कुंद्रा ने अपना पक्ष भी रखा है। राज कुंद्रा ने इस मामले पर कहा कि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। भूमि पेडनेकर ने अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। अभिनेत्री ने हाल ही में एक अजीबोगरीबो ड्रेस पहनकर इवेंट में शिरकत की, जिसे देखने के बाद लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे और काफी ज्यादा हैरान भी रह गए हैं। कई लोगों ने तो अभिनेत्री के इस लुक का मजाक उड़ाया और कई ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक्ट्रेस को एक नए स्टाइलिस्ट की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि भूमि पेडनेकर की इस ड्रेस के ब्लाउज में शीशे का एक अजीब गरीब तरह का कॉर्सेट अटैच था, जिसमें सीने पर सांप लिपटे हुए थे। बस जैसे ही भूमि का यह लुक सोशल मीडिया पर यूजर्स की नजरों में आया, लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। अबू धाबी में आईफा 2024 आयोजित किया गया है, जिसके चलते इन दिनों आधा बॉलीवुड अबू धाबी में ही नजर आ रहा है। बॉलीवुड के तमाम सितारे इस इवेंट में शामिल हुए, जिनमें अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। रकुल प्रीत सिंह ने ग्रीन कलर के आउटफिट में इवेंट में शिरकत की, जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस बीच रकुल का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह ग्रीन कार्पेट पर अपनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर बात करती नजर आ रही है। इसी दौरान रकुल प्रीत से उनके ससुर और पूजा एंटरटेनमेंट के ओनर वासु भगनानी को लेकर सवाल किया गया। ससुर को लेकर पूछे गए सवाल पर रकुल प्रीत सिंह का रिएक्शन अब वायरल हो रहा है। दरअसल अभिनेत्री से उनके प्रोड्यूसर ससुर वासु भगनानी को लेकर सवाल किया गया तो वह खुश नहीं दिखी और ग्रीन कार्पेट छोड़कर ही चली गई।
ब्राउन रंग, ब्लू आईज, अंग्रेजी बीट और अन्य गानों के जरिए युवा के दिलों में बसने वाले रैपर योयो हनी सिंह वर्तमान में अबू धाबी में है। यहां आईफा 2024 अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हनी सिंह ने मीडिया से कुछ बातचीत की, साथ ही अपनी लंबे समय तक चली बीमारी के बारे में भी खुलकर बात कही। जी हाँ, आपको बताते चले कि हनी सिंह ने कहा कि उनके लिए साहस किसी भी काम से सबसे महत्वपूर्ण है। अबू धाबी में चल रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड से यानी कि आईफा के अवसर पर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जीवन में हर चीज करने के लिए साहस जरूरी है। मैं नई दिल्ली के एक छोटे से गांव करमपुरा से हूं। आज मैं यहां आईफा जैसे ग्लोबल इवेंट में खड़ा हूं। जो चीज मुझे वापस ला रही है वह है साहस। हनी सिंह साल 2010 के दशक में हिंदी संगीत उद्योग के सबसे अधिक डिमांड करने वाले कलाकारों में से एक थे। कई बॉलीवुड एल्बम को अपनी आवाज से सजाने वाले हनी सिंह ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। हालांकि बाद में वह बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गए और मनोरंजन उद्योग से दूर हो गए। ट्रीटमेंट और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर फिर से संगीत की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। हनी का साहस से मतलब है कि वो जिस तरीके की कठिनाइयों को पार करके फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर अपनी संगीत की दुनिया में वापसी किए हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बड़ी वजह है और वो चीज है साहस। कभी भी अपने साहस को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। साउथ डायरेक्टर कोरताला शिवा की फिल्म देवरा पाटवन ने महज 2 दिनों में शान से 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। जानवी कपूर जूनियर, एनटीआर और सैफ अली खान स्टारर ये फिल्म बीते शुक्रवार को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन फिल्म ने 82 करोड़ रुपयों की ओपनिंग कर सुपरहिट की उम्मीद बढ़ा दी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि अब ये फिल्म 2 दिनों में 112 करोड़ रुपयों की कमाई कर चुकी है। देवरा पाटवन की कमाई की रफ्तार देख लग रहा है कि ये फिल्म इस साल 2024 की सबसे कमाऊ फिल्म हो सकती है। इससे पहले ये रिकॉर्ड प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल्कि के नाम है। देवरा ने बीते दिन यानी कि शनिवार को 40 करोड़ रुपयों की कमाई कर 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली। सैफ अली खान बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में गिने जाते हैं। सैफ अली खान ने अपने करियर में 74 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हाल ही में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार एनटीआर जूनियर की फिल्म देवरा पार्ट 1 में सैफ अली खान ने विलन का किरदार निभाया है। सैफ अली खान ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बारे में कुछ बातचीत कही, जिसमें सैफ अली खान ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की क्रिकेट की विरासत छोड़कर माँ की तरह एक्टर बनने का फैसला क्यों किया। सैफ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए देवरा की स्टार कास्ट के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। यहाँ सैफ अली खान ने अपने करियर को लेकर कई अहम बातें साझा की। दरअसल अभिनेता ने बताया कि मेरे पिता क्रिकेटर थे, लेकिन मेरे अंदर मेरी माँ की ड्रीम्स ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने अपनी मर्जी से एक्टिंग लाइन में आने का फैसला लिया। मुझे एक्टिंग का हुनर टैगोर फैमिली से मिला है। क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी उतनी नहीं थी क्योंकि वहाँ फोकस की जरूरत काफी ज्यादा थी जो मुझ में नहीं था, इसलिए मेरी दिलचस्पी हमेशा से ही एक्टिंग में रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री, दोनों में ही मनमुटाव और काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। वहीं इसी बीच एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि के आर के, जो कि अपने तल्ख रवैयों को लेकर काफी ज्यादा मशहूर हैं, जो कि वो बी टाउन में किसी ना किसी स्टार को लेकर उनकी आलोचना करते रहते हैं और उन्हें अपने टारगेट पर भी ले लेते हैं। जी हाँ, गुरु रंधवा ने अपनी आगामी पंजाबी फिल्म शाहकोट का एक पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिस पर टिप्पणी करते हुए के आर के ने गुरु को 2 रुपए का अभिनेता बताया और धोबी बोल दिया। उसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया। आपको बताते चले कि कमेंट से गुरु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया। जवाब में गायक ने कहा कि भाई, आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी प्रेरित नहीं हूँ। पहले फिल्म देख लो, कौन जानता है कि आपको धोबी पसंद है या नहीं। आपका ट्वीट 2 रुपए का था। बॉलीवुड बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।